हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेंसिल शेडिंग ड्राइंग फॉर बिगनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए देखिए, आप लोग कार्टर शीट का यूज़ करिए, उसकी रफ साइड पे लाइट पेंसिल से आप जो है दोस्तों पहले ड्राइंग करनी शुरू कर दीजिए। दोस्तों बेसिकली यहाँ मैं जो ड्राइंग कर रहा हूँ वो फोर शॉर्टनिंग के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि एक कीवर्ड में जो है बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, उस कीवर्ड को हम जो है फोर शॉर्टनिंग के हिसाब से बना रहे हैं। ये हमने पीछे की तरफ लाइंस जो बनाई हैं ये फोर शॉर्टनिंग के हिसाब से है। अपना पॉइंट यहाँ पर हम सारी लाइंस नहीं बना रहे हैं, पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया है और ये अपने इस तरीके से क्यूबोर्ड शेप बना लिया है। और ये क्यूबोर्ड शेप बना लेने के बाद अब इसमें जो ये फ्रंट पार्ट है यहाँ पर हम जो है अपने दरवाजे बनाने शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं जो फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल ना के बराबर ही लगेगा, तो यहाँ पर जो हम ड्राइंग कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट होगी, बिल्कुल सिंपल होगी। रेक्टेंगुलर दरवाजे हैं और उसके अंदर हम जो डिज़ाइन देना चाहें वो हम दे सकते हैं। ये देखिए, हल्का सा मैंने लाइन अंदर की तरफ ली है क्योंकि दरवाजे अंदर की तरफ जो है खुल रहे हैं या खुलने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं है। पीछे की तरफ ये बुशेज हो गई है और ये अब हम इसको जो है थोड़ा सा लाइंस को डार्क करेंगे। प्लस अब जो हमें दरवाजों के अंदर बनानी है, डिज़ाइनिंग करनी है, वो डिज़ाइनिंग अब हम करनी शुरू कर लेते हैं। इस तरीके से बैलेंसिंग का ध्यान दोस्तों ये रखना है कि आप पैरेलल लाइंस यानी कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बैलेंस्ड हो एक दूसरे के साथ। अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, आपकी कंपोजिशन बैलेंस लगेगी तो वो दिखने में अटपटी सी लगती है। सो इस तरीके से आप जो अपने ड्राइंग को अटेम्प्ट करते हुए चलें, लाइट पेंसिल का ही दोस्तों इस्तेमाल करते हुए चलें। HB 2B H पेन शेड्स की जो पेंसिल हैं ये सब पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती हैं। अब इस तरीके से जो है देखिए, हमने स्क्वायर बना दिया है, रेक्टेंगुलर आपके पास दरवाजे हैं और उसके अंदर जो है इस तरीके से चीज़ें हैं। ये देखिए, जो गांव देहात में हमारे जो घर होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दरवाजे कुछ इस तरीके के ही पाए जाते हैं। और छत पर देखिए कुछ लकड़ियाँ वगैरह या कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, तो उसको हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो ड्राइंग है दोस्तों ये देखिए रफ़ ड्राइंग है, बहुत ज़्यादा जैसे शहरी घर होते हैं वैसा नहीं है। सिमेट्रिकल ड्राइंग बनाने की कोशिश नहीं है, थोड़ा सा एक सिमेट्रिक शेप को टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है। सो इस तरीके से हम जो है इसको कर लेंगे और अब शेडिंग करना इसमें शुरू कर देंगे। ड्राइंग हमारी लगभग पूरी हो चुकी है, अब इसमें जो भी काम बचा है दोस्तों वो शेडिंग का बचा है। अब शेडिंग के ज़रिए ही हम इस कंपोजिशन को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंसेप्ट दोस्तों सिंपल सा है। आपके सामने बस एक क्यूबोर्ड है, क्यूबोर्ड में मैंने बस एक दरवाज़ा ऐड किया है, कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं है। डार्कनेस का दोस्तों यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। यहाँ जो पेंसिल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 10B की पेंसिल है, यानी कि 10B शेड है, काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है हेल्प करेगा ये डार्क शेड आपकी, बहुत ईजीली आप जो है कर सकते हैं। और रफनेस भी इसमें जो है काफ़ी अच्छे, पेंसिल को थोड़ा सा लिटा करके चलाएंगे तो आपको रफ इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब इस तरीके से हम जो है इसमें पेंसिल शेडिंग करना दोस्तों शुरू करेंगे और चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बात ध्यान रखना है कि जो नीचे की तरफ पार्ट है उसको थोड़ा सा डार्क ही रखिए, ऊपर की तरफ है उसको थोड़ा मीडियम रखिए और जो बिल्कुल टॉप है उसको लाइट रखिए। तो इस तरीके से देखिए, हमने ये डार्क शेड करके मीडियम शेड करके उसको हाईलाइट कर दिया है। अब ऊपर से शेडिंग दोस्तों इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हाथ नीचे से गंदा ना हो, वरना नीचे की शेडिंग आपकी ब्लर हो जाएगी। बेसिकली हम इसमें स्मजिंग वगैरह कुछ नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग के पर्पज़ से हम जो है जैसे कि आप लाइव स्केच कर रहे हो कुछ इस तरीके से ही हम इसमें काम करेंगे। ये देखिए, ऊपर की तरफ स्काई में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पेंसिल शेडिंग करिए। ये शेडिंग आपकी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है अगर आप डेली बेसिस पर लाइंस की प्रैक्टिस करें। डेली अगर आप लाइंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप जल्दी से जल्दी जो है कवर कर सकते हैं अपनी शेडिंग को। पीछे तो कुछ क्लाउड के पैटर्न इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे और ये दिखा लेने के बाद बुशेस को हम जो है डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, डार्क बेसिकली क्या होता है दोस्तों, डार्क चीज़ आपकी कंट्रास्ट को बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी कंपोजिशन में जो हाईलाइटनिंग हिस्से हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, अट्रैक्ट करवा देता है। अब ये कर लेने के बाद अब देखिए नीचे से हमने इसकी लाइन डार्क कर ली। अब जो साइड में हमारी दीवार है उस पर जो ब्रिक पैटर्न दिखाना है उसको हम इस तरीके से जो है पहले अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये लाइन्स जो बन रही है दोस्तों पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही बन रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके से हम जो है ब्रिक पैटर्न बना लेते हैं। गैप का ध्यान रखिएगा कि जो सेम पैटर्न ना हो, मतलब कि जो इंच वाली ईंट है ऊपर वाली ईंट की लाइन अलग हो ताकि वो दिखने में आगे पीछे लगे।
अब इस तरीके से कर लेने के बाद हर ईंट पर जो देखिए जब आप शेडिंग करनी शुरू करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एजिज ही हमेशा डार्क रखने हैं, सेंटर में हमेशा लाइट रखनी है। जैसे देखिए हम शेडिंग करनी शुरू करेंगे तो ऑब्वियस कि भाई नीचे की तरफ वो टच है तो नीचे से जो है डार्क रहेगा शेड और किनारे पे से डार्क रहेगा, सेंटर में हमेशा लाइट रहेगा। तो हर ईंट पे जब हम काम करेंगे, हर एक ब्रिक पे काम करेंगे तो हर एक ब्रिक पे यही पैटर्न ध्यान रखेंगे कि शेडिंग हमारी सेंटर में लाइट हो और उसके एजिस पे हमेशा डार्क हो। इस तरीके से देखिए बहुत ज़्यादा भी शेड नहीं करना है, रैंडमली और बिल्कुल रफली करना है। जितना ज़्यादा रफ उसको आप पैटर्न देंगे तो ज़्यादा वो नेचुरल लगने लगेगा दोस्तों, और जितना नेचुरल लगेगा उतना ज़्यादा बढ़िया जो है आपको मज़ा आएगा काम देखने में भी लोगों को, और उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बनता चला जाता है डेली बेसिस पे काम करने का। दोस्तों लाइव स्केचिंग का बहुत बढ़िया मज़ा आता है। इवन ये जो स्केच है ये भी जो है मेरे मैं घूमने गया था तो वहाँ पर जो है मुझे ये दिखाता है कि एक घर, तो उसी की मैंने जो है ये ड्राइंग यहाँ पर बना रहा हूँ। लाइव स्केचिंग और खुद के स्केचेस का दोस्तों जो है अपना ही अलग ही मज़ा है कि जितना आप जो है खुद के बनाए, खुद की फ़ोटोज़ के जो है स्केचेस करते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। अब इस तरीके से देखिए आपकी ब्रिक पैटर्न कंप्लीट हो गई है। अब ब्रिक्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब दरवाजे में जो है बेसिकली डार्क और लाइट शेड का जो है खेल चलेगा। अब सिंपल सी बात है, एक फ्लैट वॉल है, इस पर हम जो है ब्रिक का पैटर्न नहीं दिखाएंगे, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए देखिए यहाँ थोड़ी सी दरारें मैं जो है दिखा रहा हूँ दीवार में, और तो इसमें आप डार्क और लाइट का ही खेल चलेंगे अच्छे तरीके से। देखते रहिए डार्क टू लाइट अंदर की तरफ जो है आना है, इस तरीके से शेड करते हुए शेड करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको नॉलेज भी जो है डेली बेसिस पे दोस्तों बढ़ती रहेगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी स्केचिंग इंप्रूव करनी है तो आप डेली बेसिस पे काम करें, बढ़िया से बढ़िया जो है काम करें। ये सोच के कभी ना काम करें कि आप जो है जो काम करेंगे उसको उसी दिन कंप्लीट करें और उसी दिन जो है आप उसको सही से सही बनाएं। हो सकता है कि वो उस दिन सही ना बने या उस दिन कंप्लीट ना हो, अगले दिन हो जाएगा। तो हर दिन का बस टारगेट ये जरूर सेट करें कि आप काम ज़रूर करें डेली बेस पे। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए काम करते रहिए।
देखिए दरवाज़ा कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो हमारी वॉल है फ्लैट वॉल है, इसको हम जो है पेंसिल को थोड़ा सा लिटा करके रफली शेडिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नीचे की तरफ थोड़ी मीडियम शेड रहेगी, ऊपर जाते हुए थोड़ी लाइट, और फिर सबसे ऊपर थोड़ी सी मीडियम, यानी कि बेसिकली बीच में लाइट और किनारे किनारे पर डार्क रहेगी। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम दोस्तों शेडिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना आपको, करना आराम से ही है। इस तरीके से देखिए करिए, हल्की फुल्की दरारें जो हैं दीवार में वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई इधर उधर पार्ट है। अब नीचे थोड़ा सा देखिए रफली शेड दे देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जो दीवारों में से एक जो पुट्टी है वो बाहर निकल के आ जाती है, पपड़ी बाहर गिरती है, उस तरीके का पैटर्न हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना घर है तो पुरानी जो है फील डालने की इसमें कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए ये हमारा काम है। नीचे हल्के हल्के अपने साथ डालते रहिए। अब ये पैटर्न हो जाने के बाद दोस्तों अब देखिए नीचे अपने लैंड में शेड करना शुरू कर दीजिए। अब इस तरीके से लैंड में शेड कर देने पर लैंड में जो हमें छोटी छोटी घासें हैं पत्थर हैं वो हम जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से जो है फिर हमारा लैंड जो है थोड़ा सा नेचुरल और फ्लैट की जगह थोड़ा सा देखिए बिल्कुल फ्लैट दिखाएंगे तो वो भी थोड़ा सा एकदम अजीब सा लगता है। कुछ ना कुछ आप लैंड में ज़रूर दिखाइए। अब देखिए इस पेड़ घर के आगे हम थोड़ा हल्के से ये दिखाएंगे कि भाई एक पेड़ की जो टहनी है वो आगे की तरफ आ रही है, तो इस तरीके से हम उसको जो है शो करेंगे। ये देखिए तो ये आपका जो है पेड़ का भी एक लुक आ जाएगा सामने की तरफ बढ़िया, और जो है गेटअप उसका जो है और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आपको ऐड कर देने से चीज़ें आपकी कॉम्पोजिशन को ज़्यादा बढ़िया बना देती है, हाईलाइट कर देती है। तो देखिए दोस्तों अब आपके सामने जो कंपोजिशन है वो लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हल्का फुल्का एडिटिंग मैं इसमें करके इसको सही कर देता हूँ बस। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।